इस समय है खुशी कोल्ड स्टोरेज नेरा में, और अगर बात की जाए तो मानिमो क्षेत्र के अंतर्गत ये कोल्ड स्टोरेज आता है। और अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो इस क्षेत्र में ज्यादातर ऊर्जा का आलू होता है, छिछोना और कुछ न्यू आईलैंड होता है। बाकी अगर हाइब्रिड आलू की बात की जाए तो हाइब्रिड आलू बहुत कम होता है। तो इस कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब हमारे साथ हैं, मैनेजर साहब से बातचीत करते हैं क्या पोजीशन है कोल्ड स्टोरेज में, निकाली क्या है निकासी, वही मान लीजिए नियर अबाउट 40% 50% पहुंचे होंगे, 50%। और 50% में अगर बात की जाए बीज के आलू की, तो बीज का आलू लगभग कितने परसेंट चला जाता होगा? बीज का मान लीजिए 25 से 30 हजार पैकेट चला जाता है। तो इसको अगर असल में देखा जाए तो 10 से 15% लगभग 15% चला जाता है। और इसके बाद अगर अन्य बात की जाए जो आलू 35% राशन का आलू है, जैसा कि कल हम लोगों ने देखा अभी किसान कच्ची फसल आलू बुवाई के लिए ले जाने लगा, क्या लग रहा है राशन वाला आलू ये निकल जाएगा? फंस जाएगा, 10 से 15% आलू फंसेगा सभी कोल्डों में। यदि जिस हिसाब से निकासी इसका अगेती आलू जो कच्चा आलू बुवाई के लिए निकाला जा रहा है, अभी से कुछ हमारे यहाँ तो नहीं निकला, बट आप ही के द्वारा मालूम हो गया तरवा क्षेत्र में किसानों ने आलू बाहर निकाला, तो ये आलू बुवाई 5 से 10 सितंबर के बीच हो जानी चाहिए। और ये जो 5 और 10 सितंबर के बीच बुवाई आलू की होगी, ये आलू मार्केट में नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो कोल्डो में आलू है, इस आलू की मार्केट में तो एकदम से गिरावट आने एकदम से आएगी गिरावट एकदम से। अभी ये दो दिनों में भाव में क्या परिवर्तन? भाव में कुछ देखो, व्यापारी भी सुस्ती है और मार्केट में भी जो पैकार ले जाते हैं उसमें भी कुछ गिरावट है, 5 से 10, 10 से 20 रुपए क्विंटल की कुछ गिरावट दिख रही है। अगर वहीं अगर बात की जाए अपने लोकल की बुवाई के लिए, लोकल बुवाई हाइब्रिड आलू, तो अपने कच्ची की बुवाई क्षेत्र है ना, पक्की वाली का बहुत कम, 1 से 2% 3% मान लीजिए कच्ची बुवाई का क्षेत्र है, मगर हमारे यहाँ ज्यादातर पक्का ही आलू को पैदा किया जाता है, कच्चे का क्षेत्र है ही नहीं। कच्चे का क्षेत्र तिरुवा साइड और इधर ये मान लीजिए इंद्रगढ़ यही क्षेत्र आता है। इस समय अगर ऐसी स्थिति में जिन किसान भाइयों का आलू कोल्ड में पड़ा हुआ है, उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? किसान भाइयों को देखो, हम आपसे पहले भी हमारी एक बार मुलाकात हो चुकी, तो हम आपसे यही सलाह दिए थे किसान को आलू बेचना चाहिए। पूरा आलू यदि इकट्ठा रखोगे तो मार्केट डाउन होगी, ना तो कोई व्यापारी लेगा ना किसी मंडी में बिक पाएगा। वही अगर देखा जाए तो कुल मिला के अगर हमने लोगों जिस तरीके से अपडेट दिया, कई क्षेत्रों में कई लोगों से बातचीत की, तो लोगों का मानना यह भी है कि आलू दीपावली से पहले आ जाएगा, और बात की जाए तो नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में मार्केट में नया आलू आ जाएगा। और नया आलू आएगा तो इससे कहीं ना कहीं सीधा कोल्ड के ऊपर जो आलू कोल्ड स्टोरेज में आलू है, उस आलू के ऊपर पूरा फर्क पड़ेगा। आलू का भविष्य सुरक्षित नहीं है, किसान अभी भी निकल सकता है स्वयं में, किसान अभी भी अपने आप को स्वयं निकाल सकता है, बट आलू को बेचना चाहिए। आलू बेचेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? वही स्थिति है कि अगर धीरे धीरे करके बेचते रहेंगे तो बिक जाएगा, अगर नहीं बेचेंगे तो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा। और वही साफ तौर पर अगर बात की जाए 30 से 35% आलू इस कोल्ड स्टोरेज में राशन का आलू है, और इस क्षेत्र की अगर आकलन किया जाए तो इस क्षेत्र में लगभग 40% के आसपास राशन का आलू है। और उस आलू की अगर तुलना की जाए तो अगस्त महीने के हम लोग लास्ट में, आज 28 तारीख है, और सितंबर और अक्टूबर 2 महीने बचते, 2 महीने में 40% आलू निकलना तो संभव नहीं है, क्योंकि कुछ एक दो आंकड़े ऐसे भी हैं कि कुछ कोल्डों में आकलन की अगर बात की जाए तो 2-4-5 हजार पैकेट हर कोल्डों में एक्स्ट्रा है, तो उस आलू का भी कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिलेगा।